तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलजेब्रा बेसिक्स, मूलभूत बीजगणित। बीजगणित क्या है, एलजेब्रा क्या है, बीजगणित में बीज क्या होता है, गणित क्या होता है, ये सब आज जानेंगे हम। देखो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कांस्टेंट यानी अचर। अचर जो भी होते हैं, जो भी नंबर होते हैं, वो सभी कांस्टेंट होते हैं, चाहे माइनस नंबर हो, चाहे प्लस नंबर हो, या फिर कैसा भी नंबर हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट में आएंगे। सभी नंबर किस में आएंगे, कांस्टेंट में आएंगे, एलजेब्रा के अंदर। इन्हें कहते हैं कांस्टेंट नंबर, अचर संख्याएं। एक होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ड हैं उनका प्रयोग अगर किस में कर दिया जाए, गणित में, किस में, गणित में, तो उन्हें चर कहते हैं। कोई भी हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एनी एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई भी हो, ये सारे के सारे ये क्या हैं, ये सभी वेरिएबल हैं। ये सभी क्या हैं, वेरिएबल हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी हैं, अगर ये गणित में इनका प्रयोग हो रहा था तो क्या है, वेरिएबल। अब बात करेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। अगर अब क्या होता है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ प्रयोग में आ जाएं, कौन कौन, वेरिएबल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों ही आएंगे किसमें, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी बीजीय व्यंजक में कौन कौन मिक्स होंगे, वेरिएबल भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे, है ना। तो दोनों का मिक्स रूप है, इसमें बीजीय व्यंजक में उनका प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, ये सभी आएंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x+9 9y -5z+7 a+2b 6x²+9y+z etc। ये सभी क्या हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी ये सभी क्या हैं, बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजक किन किन के योग से बनेगा, दोनों ही होंगे इसमें, वेरिएबल भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। कांस्टेंट जो गणित के अंक हैं, वेरिएबल जो अंग्रेजी के वर्ड हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेस में दोनों भी, दोनों ही होंगे, उनका मल्टीप्लाई भी होगा, उनका माइनस भी होगा, डिवाइड भी होगा, ऐड भी होगा, ये सभी किस में आएंगे। ये एक तरफ से क्या है, एलजेब्रिक बेसिक्स। हाँ जी, अब बात करेंगे हम इक्वेशन, समीकरण। अभी हमने बात की थी कांस्टेंट की, वेरिएबल की, सेमिनल एक्सप्रेशन की। कांस्टेंट होते हैं बिल्कुल नंबर, और वेरिएबल होते हैं जो भी वर्ड होते थे इंग्लिश के, वो अगर गणित में आ जाएं, मैथ में, तो वेरिएबल। सेमिनल एक्सप्रेशन होता है, दोनों में डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन, समीकरण क्या है। कोई भी सेमिनल एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है, जैसे 3x+4, इसके साथ इक्वल का साइन लग जाए, किसका साइन लग जाए, इक्वल का यानी बराबर का। और कुछ भी संख्या हो इधर, जैसे 4s और भी हो सकती है, तो ये क्या है, इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन के लिए आवश्यक है क्या, इक्वल का साइन। क्या आवश्यक है, इक्वल का साइन। जैसे 4y²+9z+3c इजकल टू 7, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन है, यानी एक समीकरण है। समीकरण के लिए क्या आवश्यक है, इक्वल का साइन। अभी हमने सेमिनल एक्सप्रेशन पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या नहीं लगाया था, इक्वल का साइन नहीं लगाया था, केवल इनका एड मल्टीप्लाई किया था। ऐसा भी सेमिनल इक्वेशन होगा, जैसे x/2=8, ये भी क्या है, इक्वेशन है। ये भी क्या है, इक्वेशन है। x=4, ये भी क्या है, इक्वेशन है। ये भी क्या है,
इक्वेशन है, ये सभी इक्वेशन होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। एक होती है लाइनर इक्वेशन, क्या होते हैं लाइनर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, अगर इक्वेशन की पावर वन है, इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट है उसकी पावर वन है, तो वो जो इक्वेशन होगी वो लाइनर इक्वेशन होगी। कैसी इक्वेशन होगी, लाइनर इक्वेशन, यानी अगर कोई भी समीकरण दिया गया है, अगर उसमें चर की घात का मान कितना है, अधिकतम एक है, चर की घात का अधिकतम मान कितना है, एक है, तो वो जो समीकरण होगी उसे क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इजकल सेवन, देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल बताओ, वेरिएबल कौन कौन है, एक तो एक्स है वेरिएबल, एक वाई है, और कांस्टेंट कौन कौन है इनमें, कांस्टेंट कांस्टेंट है केवल सेवन। तो ये जो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, अधिकतम घात कितनी है, जो चर के अधिकतम घात कितनी है वो कितनी है, एक। इसलिए जो जो समीकरण लिखा हुआ है ये कैसा समीकरण, एक रैखिक समीकरण है। आगे देख सकते हैं, सेवन एक्स प्लस नाइन वाई प्लस टेन जेड इजकल टू फिफ्टीन, ये भी क्या है, एक समीकरण है, ये भी क्या है, एक रैखिक समीकरण है, लाइनर इक्वेशन है। क्यों, व्हाट इज, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं, यहाँ एक्स है वाई है एंड जेड है, इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, कितनी है, वन, यानी इनकी जो अधिकतम घात है एक ही है, इसलिए ये जो समीकरण दिया गया इक्वेशन है ये लाइनर इक्वेशन है। यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट सेवन नाइन टेन एंड फिफ्टीन, सात नौ दस पंद्रह, ये सभी अचर हैं। क्या ये इक्वेशन लाइनर होगी, ए स्क्वेयर प्लस टू बी सी प्लस थ्री सी इजकल नाइन, क्या ये इक्वेशन है, ये लाइनर इक्वेशन होगी, क्या ये समीकरण रैखिक हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट कौन है, एक तो ए है बी है सी है, तो ए की जो मैक्सिमम पावर है वो टू है, कितनी है, टू, ए की अधिकतम घात कितनी है, दो, इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है, यह रैखिक समीकरण नहीं है। दिस इज नॉट लाइनर इक्वेशन, यह रैखिक समीकरण नहीं है, यह रैखिक समीकरण नहीं है। समीकरण पढ़ा हमने, कांस्टेंट पढ़े, लाइनर इक्वेशन पढ़ा, और उसके बाद हमने देख लिया लाइनर इक्वेशन के लिए शर्त होती है कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, वन।